केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। पीएम मोदी के मन की बात का ये 108वां एपिसोड था। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम बातों पर चर्चा की, खासकर उन्होंने युवाओं को फिट रहने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने मन की बात में अपने संबोधन के दौरान लोगों से संवाद किया और कुछ नई अरोचक बातें भी शेयर की। उन्होंने शहरवासियों को नए साल 2024 की शुभकामनाएं दी। आइए इस खबर में मन की बात की 10 खास बातें जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा, 108 अंक का बड़ा महत्व है, इसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां, ये अंक असीम आस्था से जुड़ा है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। पिछले एपिसोड में हमने जन भागीदारी के कई पड़ाव पार किए हैं। हमें अब नई तेजी से नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस साल हमने कई उपलब्धियां हासिल की। देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। G20 का सफल आयोजन हुआ। आज देश का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अगले साल भी हमें इस भावना को बनाए रखना है। आज भी कई लोग मुझे चंद्रयान 3 की सफलता के लिए संदेश भेजते रहते हैं, विशेषकर महिला वैज्ञानिकों की खूब तारीफ करते हैं। उन्होंने आगे कहा, नाटू में ऑस्कर जीता, उसको पूरे देश उससे खुश है। इस साल खेलों में भी हमारे एथलीटों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कई खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि साथियों, जब भी हमने मिलकर प्रयास किया है, देश को बड़ा लाभ हुआ है। देश में 70,000 अमृत सरोवरों का निर्माण भी हमारी सामूहिक उपलब्धि है। मेरा मानना है कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है। भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत के प्रयास से साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया। इससे इस क्षेत्र में काम करने स्टार्टअप को बहुत सारे अवसर मिले हैं। लखनऊ से शुरू हुए फिरोज फूड्स, प्रयागराज के ग्राउंड मा मिलेट्स और ऑर्गेनिक इंडिया जैसे स्टार्टअप शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आगे कहा कि फिजिकल हेल्थ को लेकर जिस तरह से दिलचस्पी बढ़ रही है, उससे इस क्षेत्र में कोच ट्रेनर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। इससे जुड़ा एक बड़ा पहलू मेंटल हेल्थ है और मुझे जानकर खुशी हुई है कि मुंबई के इन्फी हील और योर दोस्त और स्टार्टअप मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत के प्रयास से साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया। इससे क्षेत्र में काम करने स्टार्टअप को बहुत सारे अवसर मिले हैं। लखनऊ से शुरू हुए कीरोज फूड्स, प्रयागराज के ग्राउंड मा मिलेट्स और ऑर्गेनिक इंडिया जैसे स्टार्टअप इसमें शामिल है। इसके आगे वो कहते हैं कि काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग तमिलनाडु से काशी पहुंचे थे। वहां मैंने उन लोगों से संवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल भाषिणी का सार्वजनिक रूप से पहली बार उपयोग किया। मैं मंच से हिंदी में संबोधन कर रहा था, लेकिन AI टूल भाषिणी की वजह से वहां मौजूद तमिलनाडु के लोगों को मेरा वही संबोधन उसी समय तमिल भाषा में सुनाई दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप सभी 2024 में सफलताओं की नई ऊंचाई पर पहुंचे। आप सभी स्वस्थ रहें, फिट रहें, खूब आनंद से रहें, मेरी यही प्रार्थना है। 2024 में हम फिर एक बार देश के लोगों की नई उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।